हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट में स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। सो वी गोना सी हियर क्वाइट इम्पॉर्टेंट अपडेट फॉर द बैंक पेंशनर्स एज वेल। सो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। सो दोस्तों, उसको यहाँ पे मैं शेयर करूँगा अमंग ऑल ऑफ यू। सो काइंडली यहाँ पे प्लीज़ मेक श्योर करना चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो को कोशिश करना शेयर कर देना सो दैट इट कैन रीच टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एंड डिज़ायर्ड जितने भी हैं हमारे बैंक पेंशनर्स उन तक ये अपडेट पहुँचना ही चाहिए फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं विद द लेटेस्ट कवरेज दैट वी हैव। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एज यू नो दैट अभी जो CPI इंडेक्स है फॉर द जुलाई वो 139.7 है। दिस इज़ द एग्जैक्ट एक्चुअल फिगर जो कि आई थिंक आई हैव शेयर यस्टरडे आल्सो। सो उसी को बेस मानते हुए आगे कैलकुलेशंस हैं और अगस्त एंड सितंबर की ओबियस यहाँ पे ये राइज होंगी बिकॉज अभी जुलाई की काफ़ी ज़्यादा राइज हुई है 4 to 5। सो उसी के चलते जो अगस्त है सितंबर है उसकी भी 3 से 4 तो यूनिट्स राइज होंगी। तो अगस्त की हमने 142 मानी है और सितंबर की 142 हम इस 143 इसलिए मार रहे हैं। हो सकता है अभी सितंबर में जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाए। अभी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई फिर से हो चुकी है। इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ने वाला है, हमारी पेंशन या सैलरी के ऊपर क्या पड़ेगा, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सो CPI इंडेक्स देख सकते हैं आप, हमने अगस्त और सितंबर का अगस्त का 142 मान लिया, सितंबर का 143 हमने फिर से अज्यूम कर लिया है फ्रेंड्स यहाँ पे। सो न्यू जो DA होगा, न्यू DA विल बी एक्सपेक्टेड एट 51.50% के अराउंड। यहाँ पे न्यू DA कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू दिस जो कि CPI की इंडेक्स की फिगर्स हैं, इसका हम एवरेज लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं वो नियर बाय जो न्यू DA होगा वो 51.50 के अराउंड पहुँच जाएगा। सो न्यू DA विल बी 51.50%। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सो DA फॉर नवंबर, दिसंबर, जनवरी 24 वो जो आके निकलता है हमारे पास वो विल बी एट 51.73। सो नियर बाय 51.7374 यहाँ पे जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी का DA निकल के आता है वो इतना हो जाएगा फ्रेंड्स। सो आपको पता होगा जो प्रेजेंट रेट है DA का वो 44.24 चल रहा है। सो परसेंटेज जो नेट इंक्रीज होगी वो 7 to 8% है। तो बहुत ज़्यादा राइज हो रही है, 7 to 8% की जो राइज है काफ़ी अच्छी राइज यहाँ पे निकल के आ रही है DA की 7 to 8%। तो आप देख सकते हैं जो DA की राइज है वो 7 to 8% यहाँ पे दोस्तों होने वाली है बिकॉज इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पाइक कर चुकी है और उसी वजह से जो DA है वो 7 to 8% यहाँ पे राइज होगा। सो दिस इज़ द बिग अपडेट आई हैव ट्राई टू डिस्कस इट अमंग ऑल ऑफ यू। सो काइंडली यहाँ पे मेक श्योर करना वीडियो को यू नो शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द लेटेस्ट बैंकिंग एंड पेंशन रिलेटेड अपडेट्स के लिए एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।